लद्दाख में एलएसी पर तेजी से बेकाबू हो रहे हालात, बॉर्डर पर लाखों की तादाद में तैनात हुए सैनिक, चीन ने एलएसी पर ताना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, युद्ध की हलचल के बीच भारतीय सेना ने गाड़ा खूंटा। दोस्तों, लद्दाख में चीन से लगती एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तमाम बातचीत फेल हो चुकी है। तो इसी बीच चीन ने रातों रात अपने 50,000 से ज्यादा जवान फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिए हैं। मतलब अब बॉर्डर एरिया में एक बार फिर से बर्फीली जमीन आग उगलने को तैयार है। चीन ने दोस्तों लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई तरह के शेल्टर्स का निर्माण कर दिया है। तो इस बीच चीन ने आग में घी डालते हुए सीमा पर अपना सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि ड्रैगन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। चीनी सेना के करीब 100 सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में करीब 5 किलोमीटर अंदर घुसपैठ करके पहुंच गए। इतना ही नहीं दोस्तों, चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में बने एक पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया। अमेरिकी दौरे के दौरान मोदी को मिले तगड़े सपोर्ट के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत अब चीन को उसकी मांद में घुसकर यानी दक्षिण चीन सागर में पहुंचकर उसकी दादागिरी को धूमिल कर रहा है और यही बात जिनपिंग के चूजों को खटक रही है, लिहाजा वो बौखला उठे हैं। लद्दाख जोन में अपनी तगड़ी हार के बाद चीन अब 3 कमांडर बदल चुका है और बॉर्डर के पास तेजी से सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत की फौज भी हाई अलर्ट पर है, जिसने चीन की हरकतों को देख रातों रात अपनी तादाद बढ़ा दी है। और ना केवल सैनिक बल्कि भारत ने ब्रह्मोस से लेकर अग्नि, आकाश और किलर मिसाइलों की पूरी रेंज ही तैनात कर दी है। तो वहीं चीन पर आग बरसाने के लिए तोपें और टैंक भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत ने कुछ तगड़े कदम उठाए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दूसरी ओर चीन ने भी रूस से मिले हथियारों को तैनात कर दिया है। ये तमाम बातें आपको बताने वाला हूं, लिहाजा वीडियो पर बने रहिए। मोदी के चक्रव्यूह से बौखलाया जिनपिंग, पूरे चीन बॉर्डर पर हालात विकराल। दोस्तों, चीन अब तक इस पूरे इलाके में भारत की रणनीति से बुरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसके कागजी शेरों की हालिया डिफेंस ड्रिल से उसे पता चल चुका था कि उसके ना तो फाइटर जेट और ना ही उसके बॉम्बर, भारत के राफेल को तो छोड़िए MiG-29 और Sukhoi-30 MKI का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और भारत के पास तो मिराज की भी एक लंबी चौड़ी खेप मौजूद है जो ऊंचाइयों पर लड़ने का बादशाह है। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट्स इस इलाके में बेहद मजबूत स्थिति में हैं, ज्यादा हथियार लेकर के उड़ सकते हैं, बहुत कम वक्त में सीमा तक पहुंच सकते हैं और इस इलाके में भारत के फाइटर पायलट्स को दशकों का शानदार अनुभव है। रही सही कसर भारत की ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइलों ने पूरी कर दी है, जो पलक झपकते ही चीन पर भारी पड़ जाती हैं। भारत ने अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ भी एक के बाद एक तगड़ी डिफेंस डील की है, जिसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। वैसे भी दोस्तों, वो लद्दाख तो छोड़िए, किसी भी इलाके में मैन टू मैन वॉर में आगे बढ़ने से भयंकर रूप से डरता है। दोस्तों, गलवान घाटी में भारतीय सेना ने उनको जिंदगी भर का जख्म दे दिया था, क्योंकि चीनी सैनिक गलवान में 15 जून को कंटीले तारों से लिपटे डंडों और सरियों से लैस थे, जबकि भारतीय जवान निहत्ते थे। लेकिन जब चीनियों ने हमला बोला तो उनके ही डंडों से उनका भुर्ता बना दिया। घात लगाकर हुए इस संघर्ष में भारत ने अपने 20 जवान खोए, लेकिन चीन के 45 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। बड़ी बात तो ये रही दोस्तों कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन का लोकल कमांडर तो इस इलाके में जाने से भी डरने लगा था। ये बात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड की जमीन पर घुसपैठ करके अंदर आए चीनी फौजी भी भारतीय फौज को देखकर ही भाग खड़े हुए। उनको भारतीय फौज का इतना डर लगा कि जिस पुल को पार करके वो आए थे उसे भी तोड़ डाला, ताकि भारत की फौज उसकी पिटाई ना कर दे।
दोस्तों चीन की सेना के कागजी शेरों की बहादुरी का आलम तो ये है कि उनको बॉर्डर इलाके में हर दिन बदलना पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में जिनपिंग के चूजे टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों अब ये बात हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, उनके ही सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने कही है। और अब अगर चीन हवाई युद्ध में भी उतरता है तो हालात और भी पतली हो सकती है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो चीन को इस मामले में बेहद अनाड़ी करार दे चुके हैं। पिछले साल तो खुद चीनी एक्सपर्ट्स ने भी जिनपिंग को लद्दाख वाले ऊंचाई वाले जोन में लड़ाई से बचने के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां भारत के फाइटर जेट्स चीन का चूरमा बना सकते थे। और यही वजह रही कि चीन अब डिफेंस मोड में आ चुका है, यानी अगर भारत का दिमाग फिरा तो कहीं उसकी पूरी की पूरी पलटन को ही खाक ना कर दे। लिहाजा उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में एयर डिफेंस थिएटर कमांड तैनात कर दी हैं। मतलब अब मामला केवल विमानों और हेलीकॉप्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब चीन ने शिनजियांग के होटान एयरबेस और तिब्बत में निंगची एयरबेस पर विमान रोधी प्रणालियों के 2 S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती कर दी है। ये दोनों बैटरियां बेहद खतरनाक हैं। और दोस्तों ये दोनों ही एयरबेस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित हैं, यानी अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को एयर डिफेंस और जवाबी हमले पर नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों चीनी फौज ने यहां अपने स्टैंड अलोन हथियार प्रणालियों के हिस्से के तौर पर UAV स्वर्म ड्रोन्स मिसाइल और रॉकेट्स भी तैनात कर दी हैं। चीन ने हाल ही के दिनों में भारत से लगने वाली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई निर्माण किए हैं। इसमें सैनिकों के रहने के लिए पनागा, हथियार डिपो, एयरबेस और हेलीपैड भी शामिल हैं। दोस्तों चीनी सेना इन इलाकों में दिन और रात दोनों समय युद्धाभ्यास कर रही है, हालांकि उनके चूजों को फिर भी यहां बार बार बदलना पड़ रहा है। चीन के हर वार का भारत के पास है पलटवार। चीन को चौतरफा घेरने में जुटा है भारत। भारतीय सेना ने तैनात किए सबसे घातक हथियार। दोस्तों चीन बॉर्डर पर दादागिरी दिखाता रहे और मोदी वाला भारत शांत रहे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है, मतलब चीन अगर ईंट मारता है तो फिर भारतीय सेना पत्थर लेकर के तैयार है। और अब चीन की हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोस्तों भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनी K-9 वज्र सेल्फ प्रोपल्ड होविट्जर की लद्दाख में तैनाती कर दी है। K-9 वज्र सेना के तोप खाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपल्ड गन है, यानी इसे ढोने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं पड़ती है, यह खुद एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती है। ये कमजोर जमीन पर धंसती भी नहीं है और टैंक के साथ साथ ये आगे बढ़ती है। ये तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है और इसकी रेंज भी 38 किलोमीटर तक है। तो दूसरी ओर दोस्तों चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जवाब में बहुत जल्द भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, जो चीन के डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस है। दोस्तों ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से ही गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दोस्तों ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। भारत को ये दिसंबर तक रूस से मिल जाएगा। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए टीम मोदी ने 42 स्क्वाड्रन को अनिवार्य कर दिया है और हर स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। दोस्तों फिलहाल देश के पास 30 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें 6 और स्क्वाड्रन जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। वहीं फ्रांस के साथ भारत ने मिराज को लेकर के एक बड़ी डील की है, तो जल्द ही भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को लेकर भी बड़ी खबर मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों इस इलाके में राफेल लड़ाकू विमान मोर्चे पर लगाया जा चुका है, जो चीन के किसी भी फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है। और दोस्तों भारत आने वाला रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित होने वाला है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने लाइटवेट स्प्राउट एसटी टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। साथ ही दोस्तों इजराइल से खरीदे गए 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स को भी एलएसी से लेकर एलओसी तक की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। भारत यूएवी मिसाइल और रॉकेट में पैसा लगा रहा है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया जा सके। और दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या दोस्तों भारत चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर पाएगा, या फिर भारत के पास फिलहाल ही ऐसा कोई तोड़ है जो चीन की गर्दन को दबोच सकता है? आप कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखें। धन्यवाद।